हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। दोस्तों, अभी तक हम देख चुके हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी में पायलट किस तरह से बन सकते हैं। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि इंडियन कोस्ट गार्ड में पायलट किस तरह से बना जा सकता है। इंडियन कोस्ट गार्ड हर साल नोटिफिकेशन रिलीज़ करती है टू जॉइन द कोस्ट गार्ड एज एन असिस्टेंट कमांडेंट। इस एंट्री से आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेरियस ब्रांचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन कोस्ट गार्ड में पायलट बनने के लिए मेनली तीन तरीके हैं। फर्स्ट है जनरल ड्यूटी पायलट एंड नेविगेटर एंट्री। ये एंट्री बस मेल कैंडिडेट्स के लिए है जिसकी एज लिमिट है 19 to 25 ईयर्स फॉर दोज हु बिलोंग टू जनरल कैटेगरी। वहीं OBC को 3 ईयर्स एंड SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो वो सारे कैंडिडेट्स इस एंट्री के लिए एलिजिबल हैं जिन्होंने अपनी BE BTech में मिनिमम 60% मार्क्स के साथ पास कर ली है और साथ ही जिनके 10+2 में मिनिमम 60% एग्रीगेट इन मैथ्स एंड फिजिक्स हैं। जिन कैंडिडेट्स के पास 10+2 में मैथ्स एंड फिजिक्स सब्जेक्ट्स नहीं थे, वो सभी कैंडिडेट्स जनरल ड्यूटी पायलट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हैं। इस एंट्री से आपको परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस एंट्री। इस एंट्री के लिए मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इस एंट्री की एज लिमिट है 19 to 25 ईयर्स, जहां पर OBC को 3 ईयर्स एंड SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन दी गई है। इस एंट्री की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास मिनिमम 12th क्लास या उसके इक्विवेलेंट के पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स और साथ ही आपके पास DGCA यानी डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन द्वारा इशू किया गया कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना चाहिए। इस एंट्री से आपको शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट मिलेगा। एज अ असिस्टेंट कमांडेंट, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट का ड्यूरेशन 8 ईयर्स होता है, जिसे 10 ईयर्स तक एक्सटेंड कर सकते हैं और इसे फर्दर 14 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इन दोनों एंट्रीज में SC ST कैंडिडेट्स को, NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स को, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ नेशनल लेवल एंड वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड को रिलैक्सेशन दी गई है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। सबसे पहले क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है और इस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स और क्वालिफाइंग कट ऑफ फॉर पर्टिकुलर ब्रांच के बेसिस पर एप्लीकेंट को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। वहाँ पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट या कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट और पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है। जो भी कैंडिडेट इस प्रिलिमिनरी सिलेक्शन को क्वालिफाई कर लेते हैं, उन सभी को फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है। FSP में साइकोलॉजिकल टेस्ट, ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू यानी पर्सनालिटी टेस्ट को कंडक्ट करवाया जाता है, जिसके बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। सभी पायलट कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन AFCME यानी एयरफोर्स सेंट्रल मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट न्यू दिल्ली में होता है। सभी पायलट कैंडिडेट्स को FSB क्वालिफाई करने के बाद CPSS देने के लिए AFSB देहरादून या मैसूर जाना होता है और अगर कैंडिडेट ने पहले से ही CPSS क्लियर किया हुआ है तो उसकी डिटेल उसे PIQ फॉर्म में मेंशन करनी होती है। लास्ट में फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। मेरिट में आए कैंडिडेट्स को नेवल ओरिएंटेशन कोर्स के लिए इंडियन नेवल एकेडमी एजीमिला में बुलाया जाता है। ये कोर्स 22 वीक्स का होता है, जिसके बाद ब्रांच वाइज सभी कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के लिए अलग अलग इस्टेब्लिशमेंट में भेजा जाता है। ग्राउंड ड्यूटी पायलट ऑफिसर्स को प्री फ्लाइंग ट्रेनिंग, Stage 1 एंड Stage 2 की ट्रेनिंग के लिए एयरफोर्स अकेडमी या दूसरे किसी फ्लाइंग इस्टेब्लिशमेंट में भेजा जाता है। अगर आप करेंटली कोस्ट गार्ड में सर्व कर रहे हो तो आप अप्लाई कर सकते हो फॉर असिस्टेंट कमांडेंट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी एंट्रीज के बारे में क्लियर हो गया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।